हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के एक्सरसाइज 5.6 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की एंड जितनी भी चैप्टर्स हैं क्लास 6 मैथ्स के जो हमने अपने चैनल पर कवर कर रखे हैं, अगर उनमें से कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, क्लास 6 मैथ्स प्लेलिस्ट। तो अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखने वाले हैं। अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी दोनों क्वेश्चंस को विद आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉलोइंग ट्रायंगल्स के नाम बताने हैं। देखिए ट्रायंगल के जो टाइप होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल के टाइप्स देख लेते हैं। देखो कितने डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं। अब इन्हें भी हम कैटेगरी में जो है क्लासिफाई करते हैं और उन्हें स्पेशल नेम्स भी दिया गया है। तो अब साइड के अकॉर्डिंग, साइड के बेस पर हमने ट्रायंगल को जो नेम दिया है वो देखते हैं। तो अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल हैं तो वो स्केलन ट्रायंगल में आता है, जैसे कि सी वाला एग्जांपल और ई वाला। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके का, या आप इसी को देख लीजिए, इसी वाले ट्रायंगल को देख लीजिए। तो सपोज़ कीजिए, यहाँ मैं बस सपोज़ कर रही हूँ, मतलब मान रही हूँ इसका 5 सेंटीमीटर है इस साइड की लेंथ, ठीक है। इस ट्रायंगल की इस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड इस साइड की लेंथ हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और इस साइड की लेंथ हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो मैंने बस ऐसे ही सपोज किया है। तो अब यहाँ आप देखो तीनों साइड्स की हमने लेंथ अलग मानी, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 2.5 सेंटीमीटर। तो जिस भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है उसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल। ये चीज़ याद हो गई। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल पे आते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हैं उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं, जैसे कि बी वाले एग्जांपल और एफ वाले एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो आप देखेंगे ट्रायंगल तो नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये जो दो लाइन्स हैं छोटी छोटी सी, ये क्यों बनाई गई हैं? अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनको बनाया जाता है तब जब हमें बताना होता है कि कोई दो साइड इक्वल है। जैसे हमने इन दोनों पे इस तरीके से ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये वाली साइड ट्रायंगल की और ये वाली साइड जिस साइड पे दोनों लाइंस बनी हुई हैं ये दोनों इक्वल हैं, यानी बराबर हैं, ठीक है। इस वाली साइड पर ये लाइन ऐसे नहीं बनी हुई। क्यों नहीं बनी हुई? क्योंकि ये साइड की लेंथ इन दोनों के बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये वाली जो साइड है ना ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल पे तीनों जगह ऐसे लाइन बनी होती तो आप समझ जाते कि ये तीनों साइड की लेंथ जो हैं बराबर हैं, इक्वल हैं, ओके। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दो साइड यहाँ पर इस ट्रायंगल की इक्वल है। और मैंने क्या बताया, जब दो साइड इक्वल हो एक साइड डिफरेंट हो, सपोज़ करो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये हो गई सिर्फ 4 सेंटीमीटर, तो दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये 4 सेंटीमीटर वाली डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाले जो ट्रायंगल होते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्वल। अब इधर आप देखोगे इक्वल ही आ रहा है इसमें शब्द, तो इक्वल मतलब तीनों साइड इक्वल हो। ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड ही इक्वल हो। जैसे आप फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वाले आपका जो ट्रायंगल दिया गया है ए वाला, उसमें देखो तीनों साइड आपकी लाइंस बनी हुई हैं। तो अब यहां से आपको पता चलेगा तीनों साइड इक्वल हैं, और तीनों साइड इक्वल हैं इट मींस कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये तो साइड के हिसाब से हमने बता दिया कि साइड के हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई किया। अब एंगल्स के बेस पर भी हम ट्रायंगल्स को नेम देते हैं। देखो ये साइड थे, एंगल्स को तो हम भूल ही गए, है ना। एंगल्स भी तो होते हैं, जैसे देखो इस ट्रायंगल के ये देखो ये एंगल होते हैं, है ना। तो एंगल के हिसाब से भी हम क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल्स को।
तो इफ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री देन द एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं ऑब्ट्यूस और एक्यूट के बारे में। एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे हों। तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कौन से होंगे, जिनका कोई भी एंगल, मतलब तीनों एंगल, इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से तीनों एंगल छोटे हैं, तो वो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल पे आएगा। ठीक है, इफ़ एनी वन एंगल इज़ अ राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में आता है। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल में कौन से आते हैं, इफ़ एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट ट्राइंगल इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल में आता है। तो देखो यहाँ ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में आएगा ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि क्या है, इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, अगर हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, मान लो ये 35 डिग्री, ये 35, मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ, ये सब मतलब ज़रूरी नहीं है ये 35 और 20 के ही हो, मैंने बस ऐसे ही लिखा है 35 मान लो, और इसको कुछ भी मान लेते हैं हम 15 मान लेते हैं, बस ऐसे ही। तो अब यहाँ आप देखोगे कि ये तीनों अलग अलग एंगल हैं, है ना, तो अलग अलग एंगल हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब अलग तो होंगे लेकिन अगर तीनों 90 डिग्री से छोटे आते हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आ जाएगा। ठीक है, तीनों 90 डिग्री से छोटे हैं। तो अब उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, अब ज़रूरी नहीं है, देखो अगर ऐसा होता 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री, तीनों बराबर हैं, तीनों एक ही हैं, लेकिन 90 डिग्री से तीनों ही छोटे हैं, ये भी 50 है 90 से छोटा है, ये 50 90 से छोटा, ये 50 90 से छोटा, तो ये भी क्या होता है, एक्यूट एंगल टू ट्राइंगल में ही आता। राइट एंगल टू ट्राइंगल में क्या होता है, भले ही ये दोनों साइड कितने भी डिग्री को, ये भी मान लो 40 डिग्री, ये भी मान लो 40 डिग्री, लेकिन ये जो होगा ना, ये आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। वैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ट्राइंगल में ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो ये मत समझेगा कि मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ तो मैं गलत एग्जांपल ले रही हूँ। देखो ये मैं आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए ले रही हूँ, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचने लग जाओ कि देखो मैंने जो तीनों एग्जांपल लिए उन्हें जोड़ करके 180 डिग्री नहीं आता तो ये गलत है, मैं बस ऐसे ही एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में देखो, बोला था कि अगर एक एंगल ग्रेटर है 90 डिग्री से, जैसे कि ये वाला एंगल मान लो 120 डिग्री का है या किसी भी कोई भी डिग्री का है, तो ये एंगल 120 का है और मान लो ये 40 के हैं, तो एक एंगल तो बड़ा हो गया ना 90 से, अगर एक भी एंगल बड़ा है 90 से तो वो ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाता है। ठीक है, तो कि आप समझ गए, स्केलन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर आते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात समझ ली, अब आपका आ जाता है 5.6 एक्सरसाइज। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, आपको जितने भी ट्राइंगल्स अभी आपने सीखे उन्हीं के हिसाब से इन ट्राइंगल्स के नाम बताने हैं। जैसे फर्स्ट में आपको पूछा गया ट्राइंगल जिसकी 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर तीनों लेंथ आपको बता रखी हैं, तीनों साइड्स की लेंथ आपको बता रखी हैं, आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो अभी पीछे हम पढ़कर आ रहे हैं, देखो अभी पीछे पढ़कर आ रहे हैं, अगर तीनों साइड अलग अलग हो तो वो स्केलन ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो स्केलन ट्राइंगल होगा ये, क्योंकि एक साइड 7 सेंटीमीटर, एक साइड 8 सेंटीमीटर, एक साइड 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तीनों अलग साइड हैं, एक साइड 8 सेंटीमीटर, एक साइड 9 सेंटीमीटर है, तो आपका यहाँ पर ये स्केलन ट्राइंगल के एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्केलन ट्राइंगल का ही एक एग्जांपल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका एबीसी एक ट्राइंगल का नाम दिया गया है, जिसमें एक साइड एबी की लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है, एसी वाले साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और बीसी वाले साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके हिसाब से बोलें, देखो एक ट्राइंगल एबीसी बोला गया है, तो ट्राइंगल एबीसी हम इस तरीके से मान लेते हैं एबीसी। अब एबी की लेंथ बता रखी है, एबी की लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर और BC की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो अब बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होगा, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी तीनों साइड डिफरेंट है, और जब तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो आपके स्केलन ट्राइंगल के एग्जांपल में ही आता है, तो स्केलन ट्राइंगल ओके, ये वाला भी हो जाएगा ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों इज इक्वल टू का साइन लगा रखा है तीनों के आगे, यानी तीनों बराबर हैं, तीनों साइड उसकी बराबर हैं 5 सेंटीमीटर के, तीनों साइड ही इक्वल हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,
ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर एक ट्रायंगल है DEF जिसमें M जिसमें एक जो एंगल D है वो 90 डिग्री का है, मतलब कि एंगल D का जो मेजर है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल, तो एक एंगल राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, चलो एक ट्रायंगल हमने मान लिया DEF, ठीक है, तो अब ये जो D वाला एंगल है ना, डी वाला एंगल उस वो है 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री का है, तो अब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, यानी ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो एक एक्स वाई जेड ट्रायंगल है जिसमें वाई का मेजर 90 डिग्री है और जो एक्स वाई है वो वाई जेड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड तो होगा ही, और साथ साथ एक्स वाई वाई जेड के बराबर है, यानी दो साइड बराबर हैं, दो साइड एक बराबर हैं, तो जब दो साइड एक बराबर हों तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आता है, और एक साइड 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आता है, तो ये दोनों हैं, ये आइसोस्केलेस भी है, आइसोस्केलेस भी है, यानी आइसोस्केलेस, देखो आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल भी है और आइसोस्केलेस भी है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल LMN है और जिसमें L वाली साइड 30 डिग्री की, M वाली 70 डिग्री की और N वाली 80 डिग्री की है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, देखो यहाँ जो आपसे पूछा गया था, बोला गया था, बताया गया था कि एक्यूट एंगल वाले में ये आ रहा है। कैसे आ रहा है एक्यूट एंगल वाले में, क्योंकि 30 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री तीनों ही जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसा तो कब होता है, जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, तो जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तभी तो तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो इस तरीके से आप जो है कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैचिंग है, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर तीनों साइड इक्वल लेंथ की हैं तो वो किससे मैच होगा, वो मैच हो जाएगा इक्विलेटरल से, जब तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो तो यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप मैच कर दोगे वन से, या मैं कहूँ कि फर्स्ट वाले को आप मैच कर दोगे इक्विलेटरल से। उसके बाद दो साइड इक्वल लेंथ की हों, दो साइड इक्वल लेंथ की हों तो वो किस में आता है, आइसोस्केलेस में आता है, जब दो साइड इक्वल हों तो ये आप मैच कर दोगे आइसोस्केलेस से, इससे, ठीक है, आइसोस्केलेस से, तो सेकंड आइसोस्केलेस का सेकंड हो जाएगा। अगर सारी लेंथ जो हैं डिफरेंट लेंथ की, सॉरी ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सारी साइड्स जो हैं डिफरेंट लेंथ की हों तो वो किस में आता है, स्केल एंड ट्रायंगल में। ठीक है, तो स्केल एंड ट्रायंगल ए से मैच करेंगे इसको, तो थर्ड मैच हो जाएगा ए से। उसके बाद तीन एक्यूट एंगल्स, तो वो तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में आएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ, इससे मैच करोगे आप। ठीक है, और वन राइट एंगल हो तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आता है, तो राइट एंगल्ड डी वाला, तो फिफ्थ, ये जो वन राइट एंगल है ना ये डी से मैच हो जाएगा। फिर वन ऑप्ट्यूस एंगल, अगर एक ऑप्ट्यूस एंगल है तो वो ऑप्ट्यूस्ड एंगल में आ जाएगा, तो फिफ्थ, सिक्स्थ, जो सिक्स्थ वाला है ना, सिक्स्थ वाला ऑप्ट्यूस एंगल वाला, ये सी से मैच होगा। ठीक है, फिर वन राइट एंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर एक राइट एंगल है जिसकी दो साइड इक्वल लेंथ की हैं तो वो आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड में आता है, तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये सेवन्थ का हो जाएगा, तो ये सेवन्थ वाला जो है ये बी से मैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैचिंग कंप्लीट कर लोगे, और यहाँ 5.6 के दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया, आगे की क्वेश्चन आगे की वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।